नमस्कार, अपनी रपली अपना राग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। और सबसे पहले एक बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है, 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी गई है। केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है। चुनाव प्रचार अब कर सकेंगे केजरीवाल। दिल्ली में 25 मई को चुनाव होने हैं और आखिरी चरण तक अब चुनाव प्रचार अरविंद केजरीवाल कर पाएंगे। तो 25 मई दिल्ली में चुनावों का दिन है। दिल्ली की लोकसभा सीटों पर 25 मई को चुनाव होने हैं और आज रात तक तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे अरविंद केजरीवाल। तो देख सकते हैं आप, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं काफी उत्साहित, काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही ये खबर आई, जैसे ही बड़ी राहत यहां पर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली, तो उनके कार्यकर्ताओं में खुशी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुशी से झूमते दिखाई दिए, नारेबाजी करते दिखाई दिए और अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है। अब 25 मई तक चुनाव प्रचार कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल। को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल।